दोस्तों अगर आपने गलती से अपने फोन में पड़े हुए इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट फोटो या फिर इंपॉर्टेंट फाइल्स को दोस्तों डिलीट कर दिया, या फिर दोस्तों किसी और ने गलती से आपका ये इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह को डिलीट कर दिया है, एंड दोस्तों अब आप उस चीज को वापस लाना चाहते हो, उस फोटो वीडियो या फिर पीडीएफ को दोस्तों आप बैकअप करना चाहते हो, फिर से अपने फोन में लाना चाहते हो, तो दोस्तों आप बिल्कुल ही राइट प्लेस पे आ चुके हो। बिकॉज दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से दोस्तों जो भी डिलीट हो चुका है फोटो वीडियो पीडीएफ उसे किस तरह से दोस्तों आप फिर से बैकअप कर सकते हो, उसे वापस ला सकते हो। एंड एक बात बता दोस्तों, आपके पास कोई भी फोन हो, बस एंड्रॉइड फोन होना चाहिए, एंड इससे मैटर नहीं करता है कि आपके पास सैमसंग है या फिर दोस्तों आपके पास रियलमी है, Xiaomi है, इस तरह का कोई मैटर नहीं करता है, बस आपके पास एंड्रॉइड फोन रहना चाहिए। एंड इस वीडियो में जो तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, ये आप इसे यूज में ले सकते हो एंड अपना फोटो वीडियो जो भी फाइल्स वगैरह आसानी से रिकवर कर सकते हो। तो दोस्तों अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूं, चलता हूं सीधा वीडियो पे एंड वीडियो को करता हूं फटाफट स्टार्ट। दोस्तों तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, आप लोग आ चुके हो मेरे फ़ोन के पास, एंड दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो बहुत सारे फोटोज़ मेरे सामने खुला हुआ है। एंड सपोज डैट दोस्तों कि जो सबसे पहला एक फ़ोटो है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, या फिर आपने कुछ इसी तरह से गलती से डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे दोस्तों दो तरीका है इस फोटो को रिकवर करने का, तो दोनों तरीका मैं बारी बारी से बताता हूँ। सबसे पहला तरीका है दोस्तों, यहाँ पे अगर आपके पास रियलमी फ़ोन है तो सिंपली से दोस्तों आपको गैलरी में जाना है एंड सर्च बार देखने को मिलेगा, सिंपली से यहाँ पे आपको रिसेंट डिलीट देखने को मिलेगा, तो इस पर क्लिक करोगे एंड यहाँ से दोस्तों देख पा रहे हो जो फोटो आपने डिलीट किया था, मैंने डिलीट किया था सॉरी, वो यहाँ पे आ चुका है। सिंपली से यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे दोस्तों रिस्टोर का बटन देखने को मिला, सिंपली से इस पे जैसे रिस्टोर का बटन पे क्लिक करेंगे वो फोटो वापस आ जाएगा। एंड अगर दोस्तों आपके पास रियलमी फोन नहीं है तो सिंपली से दोस्तों आपको करना क्या, अगर रियलमी छोड़ के कोई और भी फोन है, सैमसंग वगैरह कुछ भी फोन है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको थ्री डॉट बटन देखने को मिलेगी, तो उस पर आपको क्लिक करना है एंड यहीं पर जस्ट आपको रिसाइकल बिन का भी ऑप्शन देखने को मिलेगी। जैसे दोस्तों आप रिसाइकल बिन पर क्लिक करोगे तो सिंपली से दोस्तों वहाँ पे जो फोटो आपने डिलीट किया वो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहां से दोस्तों आप रीस्टोर कर सकते हो, दोस्तों उसे वापस ला सकते हो। एंड दोस्तों सपोज दैट जैसे कि वहां से भी वो फोटो डिलीट हो चुका है परमानेंटली आपके फोन से, रिसाइकल बिन वगैरह से भी अगर डिलीट हो चुका है, तो दोस्तों आप इसे किस तरह से रिकवर कर सकते हो, तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, उसके लिए दोस्तों आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। एंड प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सिंपली से दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना होगा डिस्क डिगर। जैसे ही दोस्तों आप डिस्क डिगर लिख दोगे तो दोस्तों ये जो सबसे पहला एक एप्लीकेशन आपके सामने खुल के आ जाएगी, तो दोस्तों इसे आपको यहाँ से इंस्टॉल करना है। एंड इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों कुछ आपके इस तरह से आपके सामने दोस्तों इंटरफेस खुल के आ जाएगी। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या, अपना जो फोटोज फाइल वगैरह जो भी बैकअप करना है उसे बैकअप करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक बटन देखने को मिलेगी स्टार्ट बेसिक फोटो सर्च, सिंपली से आपको इस पर क्लिक करना है। एंड जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे आपके फोन में जो भी फोटोज वगैरह वीडियोस वगैरह डिलीट हुआ था आज से बहुत दिन पहले दोस्तों, मान ले 3 मंथ 5 मंथ एगो ही पहले ही दोस्तों आपका फोटो वगैरह डिलीट हुआ, तो वो सारा फोटो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने फोटो एक डिलीट किया था बीटा वर्जन, तो ये फोटो दोस्तों मुझे परमानेंटली मैंने अपने फोन से डिलीट कर दिया, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे बैकअप करने का ऑप्शन आ रहा है एंड यहाँ पे दोस्तों मुझे वो फोटो देखने को मिल रहा है। तो आसानी दोस्तों यहाँ पे दोस्तों कुछ टाइम लेगा दोस्तों लोड होने में पुराना फोटो, बट दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे वेट करोगे तो आपका सारा फोटो यहाँ पे आ जाएगा। एंड आसानी से दोस्तों ये जो यहाँ से दोस्तों आप अपना वीडियो या फिर दोस्तों फोटो को बहुत ही आसानी से दोस्तों रिकवर कर सकते हो। दोस्तों तो आई होप आज के इस वीडियो के मदद से आप लोगों ने सीख लिया होगा कि किस तरह से डिलीट हुआ फोटो फाइल पीडीएफ को आप किस तरह से वापस ला सकते हो, उसे किस तरह से दोस्तों आप बैकअप कर सकते हो। एंड साथ ही साथ दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी, अगर इस वीडियो ने आपको मदद किया होगा तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड साथ ही साथ दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे आपको इसी तरह के यूजफुल एंड हेल्पफुल कंटेंट मिलते रहती है एंड फ्यूचर में भी दोस्तों मिलते रहेगी। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, इस तरह के वीडियो के साथ मिलता हूं नेक्स्ट टाइम।